अमृतसर में बुधवार देर रात करीब 11 बजे जिला देहाती में आने वाले थाना मजीठा के अंदर एक अज्ञात शख्स ने हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेनेड थाने के बिल्कुल अंदर खुली जगह पर फेंका गया, जिसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ। हरकत में आई पुलिस ने तुरंत थाने के गेट बंद कर लिए। हैंड ग्रेनेड से हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी हैप्पी पासिया ने ली है। हैप्पी पासिया ने ही कुछ दिन पहले अजनाला थाने के बाहर आईडी रखवाकर थाने को उड़ाने की योजना बनाई थी। धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर एसपी चरणजीत सिंह, डीआईजी सतेंद्र सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात करीब 11 बजे थाना मजीठा में पुलिस अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। इसी दौरान बाहर से अज्ञात शख्स ने एक हैंड ग्रेनेड फेंका। वहीं घटना को लेकर पुलिस ने कहा कि टायर फटने की आवाज़ थी। आप एक बार सुन लीजिए कि डीएसपी जसपाल सिंह ने क्या कुछ कहा। टायर का पटाका पिया ही, टायर के पटाके की किसी ने दसता गलत, अपना न्यूज चलाती किसी ने, ते कोई यह गल नहीं है। किसी भी मीडिया का मोबाइल नहीं खोया गया, किसी मीडिया की वीडियो डिलीट नहीं की कि ना कोई यही गल हुई। दो वार पहला मैं बाइट दे चुका, कोई यह गल नहीं। मोटरसाइकिल अपना जो मुलाजम अपना टायर ना हवा भरता है, जिम्मे अजकल मुलाजम ने पंप रखी और टायर फट गया और टायर अपना मोटरसाइकिल लै गया। सिलेंडर तो अजकल अपना जिम्मे मान लो कोई लांगरी खुला छड़ जाता तो किसी सिलेंडर की उस स्मैल, सानू तो कोई स्मैल आई नहीं खड़े अंदर। मुलाजम है जो मैं पुछूंगा सवेरे सारे कट्ठे करके भी मुलाजम अपना जो अपना किन्ने हवा भरी पंप लिया, क्यों अपना थाने के अंदर हवा भरी, बाइक अपना क्यों नहीं, बाइक का की मोटरसाइकिल अपना मुलाजम लै गया आपका। देखो देखो तुम मीडिया कह रहे आवाज अपना एडी दूर तक, ये इतने किसी भी आंढ़ गुआंढ़ शहर कोई नहीं कह रहे। नहीं नहीं सर गलत 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 गेट तो सापज है बंद करना सिक्योरिटी है। देखो मीडिया नु मैं गेट से उत्थे अपना बाइट दी है, मीडिया अपना हुण मैं थाने दी जिहड़ी सिक्योरिटी परपज है वो थोड़ा। 6 दिन पहले जिला शहरी इलाके में बंद पड़ी चौकी गुरबख्श नगर पर भी इसी तरह हैंड ग्रेनेड फेंक कर धमाका किया गया था। इससे पहले 23-24 नवंबर की रात को थाना अजनाला के बाहर आईडी लगाकर उड़ाने की योजना का खुलासा हुआ था। पिछले 15 दिनों में 3 घटनाएं हो चुकी हैं। अभी तक पुलिस इन घटनाओं के पीछे कौन आरोपी है ना तो उनका पता लगा पाई है और ना ही किसी को गिरफ्तार किया जा सका है। वहीं बुधवार सुबह श्री हरिमंदिर साहिब में सेवा निभा रहे शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल पर खालिस्तानी आतंकी नारायण चौड़ा ने गोली चलाने का प्रयास किया था। सुरक्षा कर्मियों की तत्परता से हमला नाकाम रहा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुखबीर बादल पर हमले के बाद पूरे जिले में पुलिस अलर्ट थी, इसके बावजूद देर रात थाने में हैंड ग्रेनेड से धमाका किया गया। इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।